हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। इन द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल वी विल डिस्कस हाउ मेंडलीव वाज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस साइंटिस्ट। वैसे तो बहुत से साइंटिस्ट हुए जिन्होंने पीरियोडिक टेबल पे काम करने का सोचा, लेकिन मेंडलीव ऐसे थे जिन्होंने हमें कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट्स दिए। सो लेट्स स्टार्ट स्टोरी ऑफ मेंडलीव्स। मेंडलीव एक ग्रेट साइंटिस्ट थे और उन्होंने बहुत ही हार्ड वर्क किया 63 एलिमेंट्स जो उस टाइम नोन थे उनको अरेंज करने के लिए। उन्होंने वो इतने हार्ड वर्किंग थे कि उन्हें 63 एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ टोटली लर्न की हुई थी उन्होंने, और उसके अकॉर्डिंग वो जानते थे कि कौन सा एलिमेंट किस दूसरे एलिमेंट से किस वे में डिफर कर रहा है। ठीक है, वो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के डिफरेंसेस जानते थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी लैब में जो सामने वाली वॉल थी उस पे एलिमेंट्स को सीरियली अरेंज किया हुआ था। उन्होंने जो मेन चीज़ फोकस की वो इस बात पे फोकस किया कि जो एलिमेंट्स हैं वो एक ग्रुप में तब रखे जाएं जब वो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, He very brilliantly used the Newland's table. He used the pre-existing knowledge. That was very good. यही पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ग्रुप्स एंड पीरियड्स का आइडिया दिया था। ग्रुप्स और पीरियड्स की इन्फॉर्मेशन से उन्होंने पता लगाया कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स की, दीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर अटोमिक मासिस। ओके, मास इज नॉट अटोमिक नंबर। मेंडलीव सर को नेचर पे बहुत बिलीव था। उन्होंने अपना काम किया कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग ग्रुप किया एलिमेंट्स को, और बाद में उन्होंने देखा कि ये तो पीरियोडिक फंक्शन बन रहा है इनके अटोमिक मासिस का, तो ये नेचुरली हो गया कि वो अटोमिक मासिस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए। अब जो मेंडलीव हैं उन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज़ कंपेयर कौन सी करी थी ये डिस्कस करेंगे। उन्होंने कंपेयर किया था फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड एंड फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड। अब ऑक्साइड और हाइड्राइड का फॉर्मेशन ही क्यों कंपेयर किया, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बहुत ही रिएक्टिव हैं। ठीक है, और नेचर में प्रेजेंट हैं, जैसे अब हमारे आसपास ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो एलिमेंट्स के साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बहुत रेडिली कंबाइन कर जाते हैं, और कंबाइन करेंगे तो या तो ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करेंगे अगर वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहे हैं, या फिर वो फॉर्म करेंगे हाइड्राइड्स। ठीक है, अब कोई कंपाउंड किस तरह का ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है, किस तरह का हाइड्राइड फॉर्म कर रहा है, इन केमिकल प्रॉपर्टीज़ को उन्होंने कंपेयर किया था और अपने एलिमेंट्स को इन्हीं के बेस पर अरेंज किया था। देखो बेटा, यू कैन सी कि जनरल फॉर्मूला जो उन्होंने लिया था फर्स्ट ग्रुप के लिए, ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन सोडियम पोटेशियम इन्होंने रखा है, उसके लिए जनरल फॉर्मूला है R2O, यानी कि जो भी एलिमेंट होगा, सपोज़ हाइड्रोजन है तो H2O, सोडियम है तो Na2O, पोटेशियम है तो K2O, यानी कि फर्स्ट ग्रुप के जो भी एलिमेंट्स हैं वो R2O जनरल फॉर्मूला वाले ऑक्साइड्स फॉर्म करेंगे। यानी कि अगर दूसरा टाइप का ऑक्साइड बन गया तो वो किस में जाएगा, नेक्स्ट ग्रुप में जाएगा। इन्होंने वर्टिकल कॉलम्स जो हैं उन्हें ग्रुप कहा था और हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड्स कहा था, जो आज तक के टेबल में भी इसी ट्रेंड में पढ़े जाते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन्होंने दिया था पीरियड्स एंड ग्रुप्स का। इन्होंने कहा था कि हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड्स कहेंगे और वर्टिकल कॉलम्स को हम ग्रुप्स कहेंगे, और ग्रुप्स को हम उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग अरेंज कर रहे हैं। यानी कि जिन एलिमेंट्स की सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो एक ग्रुप में, जिनके उनसे अलग वो सेकेंड ग्रुप में, उनसे अलग थर्ड ग्रुप में, लाइकवाइज। हमने मेंडलीव को पढ़ लिया, मेंडलीव को समझ लिया, अब हम उनकी पीरियोडिक टेबल को स्टडी करते हैं। देखो, फर्स्ट पॉइंट मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का क्या रहेगा कि जो भी एलिमेंट्स थे उस टाइम तक, 63 एलिमेंट्स नोन थे तब तक, दैट ऑल वर
अरेंज्ड इन द पीरियोडिक टेबल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिलेटिव एटॉमिक मासेस. एटॉमिक मास इंक्रीज कर रहे थे, उस अकॉर्डिंगली वो अरेंज किए गए थे. ठीक है. सेकेंड पॉइंट, मेंडेलीव ने कंप्लीट टेबल को 8 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स में उस टाइम डिवाइड किया था. ठीक है, 8 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स. अब आप सोचेंगे कि इतने सारे एलिमेंट्स और सिर्फ 8 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स में कैसे आ सकते हैं. वी विल डिस्कस इट. ग्रुप 1 to 7, उन सब में क्या थे, नॉर्मल एलिमेंट्स थे. और जो ग्रुप 8 रखा गया उसमें सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे. अब ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो होते हैं जो एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, यानी कि +1 भी शो करेंगे, +2 भी, +3 भी, +4 भी, और हर एक दूसरे एलिमेंट्स के साथ अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में कंबाइन करेंगे. और क्योंकि इनके ऑक्सीडेशन स्टेट ट्रांजिट कर रही है, इसीलिए हमने इनको नाम दे दिया ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ठीक है, तो इतने सारे एलिमेंट्स को अकोमोडेट करने के लिए इन्होंने फर्स्ट से सेवेंथ ग्रुप को फर्दर सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया. ठीक है, 2 सब ग्रुप्स बनाए, ए एंड बी. ए को बनाया लेफ्ट हैंड की साइड और बी को राइट हैंड साइड में लिखा. ए में लिखे इन्होंने सारे नॉर्मल एलिमेंट्स. ठीक है, और बी में उसी के जैसे केमिकल प्रॉपर्टी शो करने वाला ट्रांजिशन एलिमेंट लिख दिया. ठीक है, इस तरह से हर ग्रुप के क्या हुए, 2 सब ग्रुप. लेकिन ग्रुप 8 को उन्होंने सब ग्रुप फॉर्म नहीं किया, क्योंकि इसमें सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन्होंने रखे थे. इसी तरह से पीरियड्स में 4th से 7th पीरियड को इन्होंने 2 सीरीज में डिवाइड कर दिया. हॉरिजॉन्टल रोज थी तो उसमें 1 सीरीज डाल दी और 2nd सीरीज डाल दी. और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, 6th पॉइंट, कि इन्होंने ग्रुप बनाए ही इस बेस पर थे कि जो एलिमेंट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं उनको एक ग्रुप में रख दिया. फॉर एग्जांपल लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, इनको किस में रख दिया, फर्स्ट ग्रुप में रख दिया. दीज आर द जनरल फॉर्मूलाज ऑफ एवरी ग्रुप. ये है हमारे पास मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल. इन्होंने देखो वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप कहा है और हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड्स कहा है. इन्होंने 8 ग्रुप्स रखे हैं और 6 पीरियड्स रखे हैं. 1 to 7 ग्रुप है, उन सभी को देखो ए बी के सब ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है. ठीक है, लेकिन ग्रुप 8 को इन्होंने सब ग्रुप में डिवाइड नहीं किया है. ग्रुप ए सपोज करो ग्रुप 1 है. ठीक है, और इसका ए पार्ट है, ए सब ग्रुप है, उसमें इन्होंने सारे ये नॉर्मल एलिमेंट्स रखे हैं और बी सब ग्रुप में सभी ट्रांजिशन एलिमेंट्स रखे हैं. ठीक है, सेम इन्होंने किया है ग्रुप 2, 3, 4, 5, 6 and 7 के लिए. और 8 में इन्होंने सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स रखे हैं जो अपने ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करते हैं. फिर देखो पीरियड फॉर ग्रुप 3. ठीक है, इन्होंने कुछ स्पेस छोड़ा है, कुछ गैप्स छोड़े हैं कि ये एटॉमिक मास होना चाहिए, लेकिन इस एटॉमिक मास का एलिमेंट अभी डिस्कवर नहीं हुआ है, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, गैप छोड़ दिया अपनी पीरियोडिक टेबल में. इस तरह से इन्होंने सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के बेस पे एलिमेंट्स को ग्रुप्स में डिवाइड किया है. फिर इन्होंने देखा कि ये तो नेचुरली ही एटॉमिक इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग अरेंज हो गए हैं. ठीक है, ये था मेंडेलीव्स टेबल. और सबसे बड़ी मेरिट जो मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल की वो रही कि इन्होंने जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे उनके लिए गैप्स छोड़ दिए अपने टेबल में. ये क्वेश्चन इस साल बोर्ड एग्जाम्स में आया था कि जो मेंडेलीव्स के पीरियोडिक टेबल है उसमें मेंडेलीव ने ऐसा क्या किया था कि उनकी टेबल को इतना ज़्यादा रिकॉग्निशन मिला और वो इतनी सक्सेसफुल टेबल रही कि उसके बेस पर आगे हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई. ठीक है, तो
ऐसा जो एक इम्पोर्टेंट काम इन्होंने किया था वो ये किया था कि ही लेफ्ट सम गैप्स फॉर द अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। जैसे न्यूलैंड ने तो सोचा था कि उस टाइम 56 एलिमेंट डिस्कवर थे, तो तब तक वही होंगे, आगे डिस्कवर होंगे ही नहीं। इन्होंने दूर का सोचा और जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे उनके लिए अपनी टेबल में स्पेस छोड़ दिया कि फिर कभी डिस्कवर होंगे तो प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे, और ऐसी मिली तो यहाँ रख देंगे और ऐसी मिली तो यहाँ पर उनको प्लेस कर देंगे, स्पेस छोड़ दिया था। कुछ डीमेरिट्स भी रही मेंडलीव्स टेबल की। फर्स्ट डीमेरिट थी कि वो हाइड्रोजन को लोकेट नहीं कर पा रहे थे। हाइड्रोजन को उन्होंने पीरियोडिक टेबल में अच्छे से लोकेट नहीं कर पाए वो, और वो इस कंसेप्ट के मामले में थोड़े से अनसक्सेसफुल रहे। सेकंड क्या था कि इन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज तो कर दिया एलिमेंट्स को, लेकिन वो रेगुलर नहीं था। ऐसा नहीं कि किसी एलिमेंट का मास 16 है तो नेक्स्ट एलिमेंट का मास 17 रहेगा या उससे नेक्स्ट का 18 रहेगा। देर वर सम गैप्स इन द एटॉमिक मासेस। हालांकि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो थे, बट दे वर नॉट रेगुलर। जैसे 16 के ऑक्सीजन का 16 है, ठीक है, तो उसके बाद कोई और एलिमेंट आया, उसके एकदम से गैप आया एटॉमिक मासेस में, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन का 16 है तो उसके बाद फ्लोरीन आएगा, फ्लोरीन का क्या है 19 हम लेते हैं, ठीक है, 18 भी लेते हैं, 19 भी लेते हैं, 18 पॉइंट समथिंग है। तो देर वॉज सम गैप इन द एटॉमिक मासेस। इनका जो पीरियोडिक टेबल का कंसेप्ट था वो थोड़ा सा वीक हो गया आइसोटोप्स की डिस्कवरी के बाद। आइसोटोप्स क्या होते हैं? एक ऐसे एलिमेंट्स होते हैं सेम एलिमेंट के, जिसमें उनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास डिफर करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर तो फिक्स है, 6 होता है, लेकिन उसका मास 12 भी होता है, 14 भी होता है। यानी कि ऐसा कार्बन भी मिलता है नेचर में जिसका मास 12 है, ऐसा भी मिलता है जिसका 14 होता है। तो दीज वर आइसोटोप्स। आइसोटोप्स की डिस्कवरी के बाद मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थोड़ी सी कम सक्सेसफुल रही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।